के खिलाफ किसानों के धरना प्रदर्शन की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। थोड़ी देर पहले कानून को हाथ में लेते हुए राजपथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि प्रदर्शन उग्र हो पाता उससे पहले ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को तुरंत काबू में कर लिया। इस वक्त हम लोग इंडिया गेट के पास राजपथ पर मौजूद हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर सुबह 7:15 से 7:30 के बीच एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग ट्रक के अंदर उस ट्रैक्टर को लाद करके यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद यहीं पर उस ट्रैक्टर को ट्रक से उतारा गया और उतारते ही उसको आग के हवाले कर दिया गया। ट्रैक्टर धू धू कर जलने लगा और इस दौरान किसान बिल के विरोध में मौके पर नारे लगाए गए, लेकिन कुछ ही देर वो लोग यहां पर रुके क्योंकि जैसे ही यहां पर आग लगी पुलिस को और फायर को इत्तला मिल गई। किसी ने राह चलते ने पुलिस को फोन किया और इसके पहले कि पुलिस की टीम यहां पर पहुंचती वो तमाम लोग जो यहां पे 15 से 20 लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो मौके से निकल गए। इसके बाद अब पुलिस का कहना है कि वेरीफाई कर रही है कि कौन लोग आए थे। इसके लिए देखिए सीसीटीवी जगह जगह पर राजपथ पर लगा हुआ है, इसके जरिए पुलिस उनकी पहचान की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जैसे उन्हें जानकारी मिली पुलिस की एक टीम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया और ट्रैक्टर को यहां से तुरंत हटा दिया गया। कैमरामैन शकील अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा की आपने रिपोर्ट देखी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सुबह ये 7:30 बजे के करीब आए थे, 7:25 से 7:30 के आसपास, और उसके बाद इन लोगों ने जो ट्रैक्टर था वो ट्रक के अंदर लेके आए थे और उसे ट्रक से बाहर धकेल दिया गया। बताया जा रहा है कि उसके तुरंत बाद जो लोग उसमें मौजूद थे, साथ में एक दो गाड़ियां भी थी जिसमें वो लोग बैठ के आए थे, तुरंत ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया क्योंकि उस तरीके की चीजें मिलाई गई थी जिसमें पुआल वगैरह जो चीजें होती हैं जो तुरंत आग पकड़ लेती हैं उसको उस पर रखा गया, आग के हवाले किया गया। तुरंत किसान बिल के विरोध में नारे लगाए गए और उसके बाद इसके पहले कि पुलिस पहुंचती वो तुरंत अपनी गाड़ियों में बैठे और यहां से निकल गए। पुलिस का ये कहना है कि उनकी एक चूंकि ये बेहद सिक्योर एरिया है देखिए, और यहां पर पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग होती है, राजपथ है, उसके बावजूद पुलिस के पहुंचने से पहले उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और मौके से वो लोग यहां से निकल गए। अब सीसीटीवी कई चूंकि सिक्योर एरिया है, कदम कदम पे यहां पे सीसीटीवी लगे हैं, तो जिन गाड़ियों से वो लोग यहां पे आए थे उनको वेरीफाई किया जा रहा है। जो फोटोग्राफ पुलिस को मौके से मिले हैं उनको पुलिस वेरीफाई कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर वो पहुंचते हैं और सिक्योरिटी के बीच में एक ट्रैक्टर में राजपथ पे आग लगा के लोग यहाँ से निकल गए। लौटूंगी मैं आपके पास हिमांशु। इस बीच तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। ट्रैक्टर को एक ट्रक के जरिए लाया गया और उसको फिर आग के हवाले किया गया। नारेबाजी वहां चल रही थी और उस बीच दिल्ली पुलिस ने भी स्थिति को काबू में कर लिया है। ये राजपथ का वो इलाका जो हाई सिक्योरिटी एरिया है जहां पर कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ऐसे में जिन गाड़ियों से ये लोग वहां पर पहुंचे थे इन गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया गया है और साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने इस आगजनी को अंजाम दिया।